वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 36। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। इससे एक से लेकर हमने 35 तक एक एक करके डिस्कस कर लिया है। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। उसके बाद पास में जो बेल आइकन लगा है उसको ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लेना है, जिससे कि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे, ठीक है। और अगर किसी भी वीडियो का PDF फॉर्म चाहिए तो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं जितने भी हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारे क्या है? शॉर्ट आंसर टाइप। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमने सब कर लिए हैं। आज हम बात कर रहे हैं 36, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। कह रहा है अक्षीय तथा कोणीय बंधों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। किस पे टिप्पणी लिखनी है? अक्षीय और क्या है आपका? कोणीय बंधों, यानी कि अक्षीय बंध क्या होता है और कोणीय बंध क्या होता है, ये आपको शॉर्ट में बताना है, ठीक है। किस में बताना है? शॉर्ट में बताना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ठीक। हमारा अक्षीय बंध क्या होता है और कोणीय बंध क्या होता है, इसको आपको शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। कह रहा है साइक्लोहेक्सेन, क्या? साइक्लोहेक्सेन के कुर्सी रूप में उपस्थित कार्बन परमाणु लगभग एक तल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक तल बनाते हैं, ठीक है। किस तरह से? कुछ इस तरह से आपका एक तल बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या बना लेते हैं? आपका एक तल बना लेते हैं। हम देखते हैं कि कुर्सी के विपरीत, यानी कि कुर्सी के विपरीत, ठीक है, अपोजिट साइड, ठीक है, क्या है? अपोजिट साइड, ऊपर वाला पोर्शन और उसके नीचे वाला पोर्शन, अपोजिट भुजाएं समानांतर होती हैं। कैसी होती हैं? समानांतर होती हैं, ठीक है, यानी कि सभी भुजाओं में जो अंतर होता है वो कैसा होता है? समान होता है, ठीक है। अर्थात यदि हम रिंग 1 से 6 तक कार्बन की श्रृंखला को, संख्या को गिनें, ठीक है, रिंग 1 से 6 तक की, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 कार्बन, ठीक है, कितने कार्बन? 1 से अगर हम 6 तक की श्रृंखला को अगर हम काउंट करेंगे, गिनेंगे, तो क्या होगा? C1, C2, क्या होगा? C1, C2, यानी कि कार्बन नंबर आपका जो 1 होगा और कार्बन नंबर 2, इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? C4 और C5, किसके? C4 और C5, ठीक है, बंध के समानांतर होगा। किसके समानांतर होगा? कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच का जो बॉन्ड होगा वो किसके समानांतर होगा? कार्बन नंबर 4 और 5 बंध के समानांतर होगा, ठीक है। इसी प्रकार क्या होगा? कार्बन नंबर 2 और 3, ठीक है, किसके बीच का? कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच का ये जो बॉन्ड है ये किसके समानांतर होगा? कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6, इनके बंध के समानांतर होगा, ठीक है। पहला तथा दूसरा क्या है? कार्बन नंबर 3। अब ये जो कार्बन नंबर 3 है आपका, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 बंध, इनके बीच का जो बॉन्ड होगा कार्बन नंबर 3 और 4 के बीच का, ये किसके समानांतर होगा? कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 1, इसके बीच बंध के समानांतर होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये कैसे होंगे? समानांतर, यानी कि कार्बन 1 और 2 के बीच का जो बॉन्ड होगा वो किसके समानांतर होगा? कार्बन 4 और 5, ठीक है। इसके बाद कार्बन 2 और 3 का जो बॉन्ड होगा वो किसके समानांतर होगा? कार्बन 5 और 6। कार्बन 3 और 4 के बीच का जो बॉन्ड होगा वो किसके समानांतर होगा? कार्बन 6 और कार्बन 1 के बीच के बॉन्ड के समानांतर होगा। अब हम साइक्लोहेक्सेन रिंग पर हाइड्रोजन परमाणुओं को देखते हैं। अब हमें क्या देखना है? जो साइक्लोहेक्सेन रिंग पर जो हाइड्रोजन एटम्स आपके लगे हुए हैं, अब हमें उनको देखना है, ठीक है। अब तक हमने देखा था कि कार्बन बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, उनको हम देखते हैं तो क्या पाते हैं, ठीक है। यदि मेज की ऊपरी सतह पर साइक्लोहेक्सेन के कुर्सी रूप के मॉडल को रखें, किसके ऊपर? मेज के ऊपर अगर हम साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म को अगर रख दें तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है? कि कार्बन और हाइड्रोजन बंध मेज के तल के लंबवर्ती हैं। कैसे हैं? मेज के तल के परपेंडिकुलर हैं, लंबवर्ती हैं, ठीक है, ठीक है, ऊपर और नीचे। जैसे कि चित्र में हाइड्रोजन परमाणु ए को अक्षीय हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो चित्र दे रखा है यहाँ पर आपका, इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु है आपके, ये देखो, ये है आपका चित्र, मेज के ऊपरी सतह पर रखें, ठीक है, किसको? साइक्लोहेक्सेन के कुर्सी रूप मॉडल को। तो हम क्या देखते हैं? तो हमें ज्ञात होता है कि कार्बन हाइड्रोजन बंध मेज के तल के कैसे हैं? लंबवत हैं, कैसे हैं? लंबवत हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर हैं।
चित्र में हाइड्रोजन आपका जो ए है, हाइड्रोजन परमाणु ए को अक्षीय हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो आपका चित्र बना हुआ है ये, ठीक है, क्या है ये आपकी कौन सी संरचना है? ये है हमारी कुर्सी संरचना, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? चेयर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? चेयर फॉर्म कहते हैं। क्या है? ये आपकी चेयर फॉर्म है, ठीक है। इसको हमने कहाँ रख लिया? टेबल पे रख लिया, ठीक है। ये मोस्टली एक तल में होता है, एक प्लेन बनाता है, ठीक। इसको कहाँ रख लिया हमने? तल पे रख लिया। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु ए को, जो आपके हाइड्रोजन परमाणु लगे हुए हैं जिनको हमने ए से प्रदर्शित किया है, ठीक है। किससे प्रदर्शित किया है? ए से। ये कुछ आपके हाइड्रोजन है जो ए से प्रदर्शित हैं, ठीक है। अब ठीक है, ये कैसे होते हैं आपके अक्षीय? कैसे होते हैं? जो ए वाले हैं वो हमारे कैसे हैं? अक्षीय, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, एक्सियल, ए एक्स आई ए एल, ठीक है। जो ए से, जिन हाइड्रोजन परमाणु को ए से प्रदर्शित किया वो कैसे हैं आपके? एक्सियल हैं, ठीक है। एक्सिस पे लगे हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है ऊपर की ओर। शेष बचे छः कार्बन हाइड्रोजन बंध रिंग से बाहर की ओर, कहाँ होते हैं? रिंग से बाहर की ओर होंगे आपके, ठीक है। इंगित होते हैं, कहाँ इंगित होते हैं? रिंग से बाहर की ओर। ये आपको दिखाई दे रहे हैं जिनको ई से प्रदर्शित किया गया है, जो आपके रिंग से बाहर की ओर इंगित हो रहे हैं, ठीक है। इस रेखा पर प्रदर्शित हाइड्रोजन परमाणु को कोणीय, ठीक है, कोणीय या ई हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसी रेखा पर जो आपके हाइड्रोजन प्रदर्शित होते हैं रिंग से बाहर की ओर, जिन्हें हमने ई से प्रदर्शित किया है, इन्हीं को क्या कहते हैं? कोणीय हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणीय हाइड्रोजन कहते हैं। और जिनको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, जो बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं, वो आपके कैसे होते हैं? अक्षीय हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो केवल हमें यही जानना था कि अक्षीय हाइड्रोजन क्या होता है आपका और कोणीय हाइड्रोजन क्या होता है। तो अक्षीय क्या होगा? जो आपका परपेंडिकुलर हाइड्रोजन होगा, ठीक है, कैसा होगा? परपेंडिकुलर हाइड्रोजन होगा, वो आपका अक्षीय हो जाएगा। जो रिंग से बाहर की ओर, ठीक है, चेयर फॉर्म से बाहर की ओर इंगित हाइड्रोजन परमाणु रहेंगे, वो हमारे कैसे हो जाएंगे? वो हमारे कोणीय हो जाएंगे, ठीक है। कैसे हो जाएंगे? कोणीय हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। तो बस इसमें यही था आपका, अक्षीय और कोणीय बंधों पर हमें क्या करना था? टिप्पणी लिखनी थी। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बन रही है हमारे साथ। थैंक यू, बाय।